सो गाइज, आज हम कुछ डाउट क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। और ये क्वेश्चन हमने आपको कम्युनिटी में भी डाले थे, तो आपने इनके आंसर दिए थे। मोस्टली बच्चों ने सही आंसर टिक किया था, लेकिन कुछ बच्चों को डाउट भी है इसमें कि भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हम क्या करेंगे। देखो, अगर ये इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाते हैं तो बहुत ही सिंपल हो जाते हैं, क्योंकि हमें कुछ फैक्टर देखने भी नहीं है। जैसे बस आपको चेक करना है कि भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, नहीं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, और माइनस करके ये आना चाहिए आपका वन, क्योंकि यहाँ पर वन है। ओके, तो हमारा करेक्ट है। लेकिन अब इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हम कैसे बताएं बिना सोल्व किए? तो देखो, आप बिना सोल्व किए कैसे बता सकते हो, इसको देखो ध्यान से। प्लस माइनस, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस की ये वाली वैल्यू हो जाएगी, तो करेक्ट है। अब एक और बात है कि यहाँ पर प्लस का एन बनना चाहिए। अब एन वाली वैल्यू चेक कर लो, जैसे 37 को एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 आएगा प्लस का, और फिर इस एन को अगर 36 से करेंगे तो वो आएगा हमारा क्या, माइनस का 36। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि अगर आप प्लस का 37 में से माइनस का 36 करोगे तो प्लस का एन ही आएगा, इसलिए ये वाला करेक्ट है। क्योंकि आप और किसी भी चेक कर लो, यहाँ पर माइनस का 37 है और एन की 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 36 आएगा, तो माइनस का एन आएगा, लेकिन आना चाहिए था प्लस का। इन ये ऑप्शन करेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस बनाएगा, ये वाली वैल्यू माइनस की है, ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस 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 आएगी ये वाली वैल्यू। ओके, ऐसे आप इसे चेक कर सकते हो कि एन माइनस 260, एन प्लस 19, इसमें से क्या होगा? देखो, यहाँ पर आनी चाहिए वैल्यू माइनस में, तो माइनस प्लस इसमें माइनस आ रही है, प्लस माइनस इसमें भी ये वाली वैल्यू माइनस में आएगी, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन बात आती है कि भाई ये वाली वैल्यू प्लस आनी चाहिए, तो आपको देखना है कि भाई 260 वाली वैल्यू प्लस की हो। क्यों? क्योंकि एन की मल्टीप्लाई 19 में करोगे तो माइनस का 19 होगा, और 260 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, एन से करोगे तो 260 एन होगा, तो 260 एन में से माइनस 19 करोगे तो प्लस का 241 आएगा। लेकिन अगर हम इस केस को देखें तो यहाँ पर माइनस का 260 और प्लस का 19 तो माइनस का 241 आएगा, तो ये करेक्ट ये है, ये हमारा इनकरेक्ट है। तो इस टाइप से आप इनको बता सकते हैं। लेकिन अब बच्चे कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम है कि ये फैक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे अगर ये हमारे पास आ गया। तो देखो, फैक्टर करना इजी है, या तो आप वही प्राइम फैक्टराइज कर दो, या फिर देखो ध्यान से देखो, अगर माइनस करने पर वन आना चाहिए तो टू कॉन्जुगेटिव फैक्टर होंगे, जैसे ये 37 36 है, जैसे 11 12 है, ठीक है। अब आप देखो कि भी ये वैल्यू टू पार्ट में डिवाइड हो लेकिन कॉन्जुगेटिव फैक्टर हो, तो किसके नियर बाय है? देखो, वैसे मोस्टली केसेस में जैसे यहाँ पे प्राइम नंबर 37 आ गया, वहां पर आकर रुक जाएगा, क्योंकि अगर हम इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं 1332, मोस्टली बच्चों को यही प्रॉब्लम है कि भाई बड़े फैक्टर्स आ जाएं तो क्या करें। तो देखो, कुछ नहीं करो, पहले आप प्राइम फैक्टर कर लो। वैसे तो हम अगर हम इसको नियर बाय देखें भी किससे डिवाइड हो रहा है मोस्टली वैल्यू से, उससे आप चेक कर सकते हैं। वरना प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे बेस्ट मेथड है कि यहाँ पर 2612 वन कैरी, 2612 2612, फिर 2 से अगेन हो रहा है 2303 2303, अगेन किससे हो रहा है 3 से हो रहा है, 3 1 3 1 3 1, अगेन किससे हो रहा है 3 से हो रहा है, क्योंकि देखो अगर सभी का सम 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। जैसे हम यहाँ पर आएगा 3 3 9, 2 कैरी 37, लास्ट में बचता है हमारा 37, 37 एक प्राइम नंबर है। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखो 36 आ रहा है, तो 36 37, इसके फैक्टर कितने सिंपल हो गए। लेकिन इस वाले पर अगर आ जाए हम 4940 पर, इसके फैक्टर 260 और 19 है, अभी कैसे आ रहे होंगे हमारे, तो ये कुछ आप इसको डिवाइड करोगे 2 2 2 2 4 2 4 8, 1 कैरी 27 और ये 0, फिर यहाँ पर 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 5, ओके 3 से कर लो आप इसे, 3 से 3 4, ये 3 और ये नहीं कैंसिल हो रहा, 5 से कर लो तो फिर 5 2 10, फिर 2 कैरी 5 4 20, 3 कैरी 5 7, 247 आ रहा है। 247 किससे डिवाइड हो जाएगा हमारा, ये 3 से नहीं हो रहा, 3 किससे हो रहा है, ये हो गया हमारा 5 से, तो हो गया 5 2 5 4 और 5 7, 2 4 6 6 7, 13 आ रहा, 13 आ रहा, नहीं लास्ट वाली वैल्यू नहीं, तो फिर ये हमारा प्राइम नंबर किससे हो जाएगा, जैसे 22 से नहीं हो रहा है, मतलब 11 से नहीं हो रहा, 7 से हो रहा है, 7 3 नहीं, 7 से भी नहीं हो रहा। अब 260 कैसे आ रहा होगा भाई, अगर 260 आ रहा होगा, अगर ये 247 ही यहाँ पर अगर प्राइम नंबर बन गया तो फिर तो हमें 247 ही इसमें लेना पड़ेगा, यहाँ पर ये 260, क्योंकि देखो अगर आपको माइनस करने पर ये वाली वैल्यू चाहिए तो एक वैल्यू, एक फैक्टर इससे बड़ा आना चाहिए 241 से, जैसे यहाँ पर 260 लिया है हमने, अभी कैसे लिया गया होगा, इसको अगर हम फैक्टराइज कर रहे हैं तो यहाँ पर 4940 है, आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो कि ये आ रहा है 19 से मल्टीप्लाई करने पर, या नहीं 19 से मल्टीप्लाई करने से बेस्ट है कि आप इसे 20 से कर लो, क्योंकि देखो आप 19 को क्या लिख सकते हो, 20 माइनस 1, यहाँ पर 26 से करोगे तो 520 और माइनस 26 और कर दोगे इसमें कितना आ जाएगा, 6 माइनस करोगे तो 4494 करेक्ट आ रहा है, 4940 करेक्ट है। तो फिर इसके फैक्टर आ रहे होंगे, देखो हमने फैक्टर में कहीं मिस्टेक किया क्या, 2 2 4 2 4 8, 1 कैरी 27 14 आएगा 0, फिर 2 से किया 2 1 2 2 2 4, फिर 2 3 6 और फिर यहाँ पर 2 5 10, फिर
अगर हम इसे 5 से कर रहे हैं, 5 2 10, फिर 2 carry 5 4 20, फिर 3 carry 5 7 35। अब ये 3 से नहीं हो रहा, फिर दो प्राइम नंबर हम उनसे देखेंगे, 7 से नहीं हो रहा क्योंकि 7 3 21, 3 carry नहीं हो रहा 7 से भी, फिर किससे 9 से, 3 से नहीं हो रहा 9 से भी नहीं हो रहा, फिर 11 से भी नहीं हो रहा, फिर किससे होगा 13 से, 13 अगर हम देखें इसमें 13 क्योंकि 13 से डिवाइड हो रहा तो ये जरूर होगा 13 से, 13 1 13 लिया हमने इसमें, इसमें 13 1 13 लिया, बचा कितना फिर 7 4 11 13, ये आगे 19 जा, ठीक है तो 19 में कर लो, 19 1 19 ये आ रहा है इसमें, तो ये आ गए इसके फैक्टर। अब हमने एक फैक्टर में क्या लेना, अभी 241 से बड़ा लेना, आप 241 से बड़ा बनाने के लिए आपने क्या किया, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ले तो 247 आ रहा, फिर उसमें 2 की मल्टीप्लाई करें तो फिर काफ़ी बड़ी वैल्यू आ रही है, ओके। तो हमने क्या किया, आप क्या कर लो इसमें कि आप इनकी मल्टीप्लाई करके देख लो, या तो 19 5 जा, और फिर ये देखो 10, देखो इसे ले लो आप 10, 19 2 38 और 10 कितना जाएगा 380 हो जाएगा, लेकिन 380 माइनस 13 करेंगे ये आएगा नहीं हमारा 241। तो फिर हमने क्या लिया, इन सभी को लिया, देखो 13 2 26 26 10 जा कितना हो जाएगा हमारा 260 और 260 19, तो 260 19 इसके फैक्टर आ गए। तो इस टाइप से आपको थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, यहाँ पर सोचने वाले क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कह रहा है कि इफ sec a dot sin a is equals to 0 देन cos a क्या होगा, कैसे किया हमने इसे, तो इसे आप कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखो अगर एग्जाम में आ जाए तो सोल्व कैसे करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। sec a और sin a की वैल्यू 0 के इक्वल है, तो हम यहाँ पर ऐसा ट्राई करते हैं कि भाई ये जो टू रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ये एक में ही कंबाइन हो जाए, एक ही रेशियो बन जाए, जैसे sec को कह सकते हैं 1/cos और यहाँ पर है sin a इक्वल्स टू में 0 है, साइन अपॉन कोस होता है टेन ए, एक रेशियो बन गया टेन इज इक्वल टू 0, टेन में 0 वैल्यू कहाँ पर होती है, 0 पर ही होती है, तो आप टेन 0 कह सकते हो, इसका मीनिंग एंगल ए कितना आ गया 0 आ गया। उसमें जो हमने इस क्वेश्चन में थोड़ा रीजन दे रखा ना वो सही नहीं है, तो इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं कि करेक्ट क्या है, कैसे आया है। जैसे कोस ए चाहिए हमें, तो कोस ए चाहिए आपको, क्या चाहिए मीन्स ए के प्लेस पर 0 और कोस 0 होता है 1, इसलिए इसका आंसर आ रहा है 1, इसलिए इसका 1 आंसर आया है, ओके। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक बच्चे ने और डाउट किया था कि भाई उसने ये क्वेश्चन पूछा था कि भाई इसके फैक्टर कैसे होंगे, उसने फैक्टर करके दिखाया भी हमें, और देखो ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपके भी दिमाग में कभी ना कभी आपके दिमाग में आ सकता है कि भाई ऐसा भी क्या हो सकता है, जैसे कि भाई एक बार तो हमने इसके फैक्टर कुछ इस टाइप से किए हैं 2x² - 6x, अब आप बताना भाई इसमें से कौन सा करेक्ट है, ये है 6x + x - 3 एंड यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा x और यहाँ पर -3, ओके। प्लस 1 कॉमन लेंगे यहाँ पर x - 3 और यहाँ पर क्या है x - 3 और यहाँ पर क्या है 2x + 1, ओके। ये हो गया हमारा x - 3 एंड 2x + 1। अब हम क्या करेंगे, इसके एक तो ये फैक्टर हो गए, अब इसमें हम दूसरे फैक्टर फाइंड कर लेते हैं इसके कैसे, भाई अगेन इसने देखो इस बच्चे ने इस क्वेश्चन को इस टाइप से भी करके दिखाया और बोला कि भाई सर इसमें से कौन सा सही होगा आप बताइए इसमें, तो आप बताना भाई इसमें से कौन सा करेक्ट है। मोस्टली बच्चे देख के देख कर से कन्फ्यूज हो जाएंगे कि भाई ये दोनों ही करेक्ट लग रहे हैं हमें, तो लेकिन ध्यान से देखो आप इसमें से बताओ कौन सा करेक्ट है। आप ऐसे भी तो कर सकते हो उसको भी 2x - 3x, ये भी तो माइनस का 5x आएगा, या 6x + x, तो माइनस प्लस माइनस करेंगे यहाँ भी तो माइनस का 5x आएगा, तो फिर यहाँ पर करेक्ट क्या है ये देखना है आपको, बताओ क्या है करेक्ट, अब बताना है आपको क्या होगा इसमें, देखो क्या होगा इसमें करेक्ट बताओ इसे, तो ये वाला करेक्ट होगा, ये वाला करेक्ट नहीं है। अब कुछ बच्चे को कंफ्यूजन आ रही होगी भाई क्यों है करेक्ट। अब देखो इसमें जब फैक्टर करते हैं ना आप इसमें से एक स्टेप मिक्स कर रहे हो कि भाई हम जी स्टेप लिखते हैं ना, आप इस स्टेप को तभी लिखना जब आपको इसका बेसिक पता होगा। जैसे ये हम करते क्या है कि जो भी एक्स स्क्वायर वाला कोफिशियंट होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर लास्ट वाली वैल्यू सी में, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c, ये इसकी क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसमें जब हम करते हैं तो कितना आ रहा है 6, और 6 के फैक्टर चाहिए आपको कि माइनस करने पर 5 आए, तो देखो इसमें फर्स्ट स्टेप ये होती है कि आप क्या करते हो 2x² माइनस, ये माइनस बाहर रहा, और इस 5 के प्लेस पर हम क्या कर रहे हैं 6 - 1, क्योंकि 6 - 1 5 आएगा, और यहाँ पर जो x है बाहर x लगा देते हैं, तब जाकर ये वाली स्टेप आती है नेक्स्ट वाली। कैसे देखो 2x² ये रहा, माइनस
अंदर एंटर करेगा तो माइनस का 6 और इधर से x मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर माइनस का 6x और ये माइनस माइनस प्लस x और माइनस 3। इस टाइप से हम इसको लिखते हैं। तो अगर आप इसको लिख रहे हो तो आपको ये वाला बेसिक पता होना चाहिए कि भाई 6 के ही ऐसे फैक्टर कर रहे हैं कि माइनस करने पर 5 आए तो 6 बन जाए, 6 क्यों लेना है, क्योंकि माइनस का 6x प्लस का x ये माइनस का क्या देगा आपको 5 देगा, लेकिन ये 6 बन जाए 6 भी देगा। अब इस वाले में क्या मिस्टेक है, माइनस 2x और माइनस 3x कितना आ रहा है, माइनस 2x और माइनस 3x आ तो रहा है माइनस 5, लेकिन यहाँ क्या प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्लस का 6 आ रहा है, माइनस का 2 और माइनस का 3 प्लस का 6, यहाँ माइनस का 6 ही आ रहा है, माइनस का ही आना चाहिए था, ये प्रॉब्लम है। मीनिंग कि भाई आप इसको अगर इस टाइप से लिख दोगे, आप सोच रहे हो इसका बेसिक जो इन्होंने कुछ इस तरीके से बनाया होगा कि माइनस साइन कॉमन ले हम, ये प्लस करके 5 ला रहा है, देखो अगर हम दोनों में से माइनस साइन कॉमन लें तो यहाँ आ रहा है 2 भी प्लस का हो जाएगा, या फिर कह सकते हैं 2x भी प्लस का हो जाएगा और 3x भी प्लस का हो जाएगा, और ऐसा हमें प्लस करके नहीं लाना 5, हमें क्या लाना है, यहाँ पर अगर माइनस है, यहाँ पर अगर माइनस है अगर हमारा, या फिर हम कह सकते हैं इन दोनों कोफिशियंट्स का प्रोडक्ट अगर माइनस में है तो हमें माइनस करके ही ये वाली वैल्यू लानी है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है 6 - 1। ये आपको चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी अगर आप हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला लेक्चर देखोगे, तो उसमें आपको ये और भी क्लियर हो जाएंगी। ऐसे ही डाउट क्वेश्चन हमसे पुटअप करते रहिए, तो उनके आंसर्स हम पॉसिबल हो गए तो जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करेंगे, और जो भी क्वेश्चन अच्छा होगा उसका जरूर हम अपने लेक्चर में लेके आएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।